चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। किरण चौधरी विधानसभा पहुंची है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा पहुंची है किरण चौधरी। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, विधानसभा किरण चौधरी पहुंची है। किरण चौधरी के विधानसभा पहुंचने की जानकारी, किरण चौधरी निर्विरोध राज्यसभा की सांसद चुनी गई हैं और अब ये खबर सामने आ रही है कि वो कुछ ही देर में रिटर्निंग ऑफिसर उन्हें प्रमाण पत्र देंगे। विधानसभा फिलहाल पहुंची है, मुख्यमंत्री नायब सैनी भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, विधानसभा पहुंची है किरण चौधरी, बड़ी खबर आपको बता रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। किरण राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं, किरण चौधरी निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गई और ये तस्वीरें चंडीगढ़ से लाइव, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। तो विधानसभा में किरण चौधरी पहुंची हैं, चौधरी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा पत्र देंगे को जीत मिली है, भाजपा उम्मीदवार किरण चौधरी को राज्यसभा सांसद चुनी गई है, इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो अब से कुछ ही देर में रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा में पहुंची हैं और इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा में ने उन्हें उम्मीदवार घोषित किया, विपक्षी दलों की ओर से कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया गया। इसका निर्वाचन सर्टिफिकेट अब से कुछ ही देर में किरण चौधरी को प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। तो विधानसभा में किरण चौधरी पहुंच चुकी हैं, जिसकी एक्सक्लूसिव, साल पहले भी राज्यसभा सांसद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन ओपी चौटाला के बहुमत मिलने की वजह से वो राज्यसभा सांसद नहीं बन पाई थी। सिंह सैनी की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया था। तो ये तस्वीरें विधानसभा से, जहां पर तो इंडिया न्यूज हरियाणा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। राज्यसभा उम्मीदवार किरण चौधरी निर्विरोध सांसद भाजपा की राज्यसभा उम्मीदवार किरण चौधरी निर्विरोध सांसद चुन ली गई हैं और 20 अगस्त नहीं किया गया, इस कारण किरण चौधरी का निर्विरोध ज्ञानचंद गुप्ता भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं और सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी मौजूद हैं और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रमाण पत्र सौंप दिया है और किरण चौधरी ये तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं विधानसभा से, इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इस कारण से किरण चौधरी का निर्विरोध राज्यसभा जाने का रास्ता बन गया था और ये रिजल्ट पहले से ही तय था। वहीं ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा पर, और साथ ही कांग्रेस समेत दूसरे को आप देख सकते हैं और साथ ही विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री जो है मीडिया से मुखातिब होने के लिए और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली मौजूद रहे, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। तो किरण चौधरी निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रमाण पत्र सौंपा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे और
साथ ही आपको बता दें किरण चौधरी निर्विरोध। ये रिजल्ट पहले से ही हालांकि तय माना जा रहा था और इसी के साथ आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर किरण चौधरी निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद बधाई दी गई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें विधानसभा से जहां पर किरण चौधरी निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुन ली गई हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रमाण पत्र सौंप दिया है और आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों की ओर से कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया गया था, इस कारण से किरण चौधरी निर्विरोध राज्यसभा सांसद बन चुकी हैं। तो वहीं किरण चौधरी को प्रमाण पत्र सौंप दिया गया है। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद रहे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली मौजूद रहे, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। तो इससे पहले भी किरण चौधरी आज से 20 साल पहले राज्यसभा सांसद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन ओपी चौटाला के बहुमत मिलने की वजह से वो राज्यसभा सांसद नहीं बन पाई थी, लेकिन अब किरण चौधरी निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं। तो 20 अगस्त को भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार घोषित किया था, 21 अगस्त को उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया था।